कल में आपका स्वागत है। मैं सजित कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आज हमारे सब्सक्राइबर्स के प्रश्नों का दिन है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे प्रश्न पूछा तो आज मैं उनके उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले भाई आज फ्रेंडशिप डे है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज के फ्रेंडशिप डे आपको बहुत मुबारक हो, आपके मित्र हमेशा आपके साथ रहें। तो चलिए आज समय ना गंवाते हुए कुछ प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न जितने भी सब्सक्राइबर मुझसे पूछे थे मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दूं। तो आइए आज के जितने भी प्रश्न थे उसके बात करते हैं। तो राजमुल हक जिनका कहना था कि सर थर्ड काउंसलिंग के बारे में वो पूछ रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे बताया कि सर 7 और 8 अगस्त को पॉलिटेक्निक का थर्ड काउंसलिंग है। तो चूँकि इनका CML रैंक 1303 है और ये सिविल ले चुके थे, आप धनबाद लेना चाहते हो तो पहले आप ये देख लो कि आप किस ट्रेड में करना चाहते हो। जिस ट्रेड में आपका बेस्ट होने का चांस है मैं चाहूँगा कि आप उसी ट्रेड को लेकर करो। ये नहीं कि आप प्लेसमेंट के पीछे भागो कि भाई अभी धनबाद में कुछ कंपनियाँ आ गई तो मैं अब चेंज करके धनबाद ले लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ट्रेड के पीछे भागते रहेंगे तो आप प्लेसमेंट नहीं ले पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप पहले देख लो कि आप किस ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्टेड ब्रांच को नहीं लोगे तो प्लेसमेंट मुश्किल होगा। तो उसी प्रकार से भाई ईशान आलम ये मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन से स्टेट में हो, तो भाई मैं बोकारो में हूँ और मैं बोकारो स्टील सिटी में हूँ। अभी आप जो देख रहे हो ये सिटी पार्क है हमारे बोकारो का, तो यहाँ ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आज संडे को। आइए मैं नेक्स्ट लेता हूँ बंटी मोहिल। सर ऑटो मैकेनिकल और मैकेनिकल में क्या दोनों में सेम भरा जा सकता है? तो भाई देखो कुछ ट्रेड, जैसे मान लो कि आप अगर कोई ऐसे इंडस्ट्रीज में आते हो जो गाड़ियाँ तैयार करती है तो उसमें मैकेनिकल और ऑटो मोबाइल्स दोनों के बच्चों का प्लेसमेंट होगा। लेकिन अब जैसे केवल मैकेनिकल का जहां ट्रेड हो जाएगा वहां शायद ऑटोमोबाइल सब जगह काम नहीं आएगा। तो कुछ सेक्टर है जहां ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल दोनों का प्लेसमेंट होता है। इसके बाद भाई अब प्लेसमेंट को लेकर बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है। जैसे GP रांची से अनीस राज और विक्की पतवा ने पूछा है कि भाई रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट कैसा है। तो मैं कहूँगा रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और बहुत सारे प्लेसमेंट्स के लिए अभी नए कंपनियाँ आ रही हैं तो आप वहाँ पर आराम से एडमिशन्स लेकर प्लेसमेंट ले सकते हो। तो रांची का प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है। GP निरसा सॉरेन टीव्यू और राजमूल हक पूछ रहे हैं कि सर GP निरसा, तो भाई GP निरसा में जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि धनबाद में जो कंपनियां आई थी तो एक्चुअल मुझे रिपोर्ट मिला कि वो निरसा भी गई थी लेकिन निरसा में कोई बच्चे प्लेसमेंट नहीं कर पाए, मतलब कैंपस में शायद सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो भाई आप तैयारी अच्छा से करो, आपका प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी प्रकार से वोमेंस पॉलिटेक्निक दुमका के बारे में रोशनी सिंह पूछ रही हैं कि सर कैसा है। तो देखो बाबू ये नया कॉलेज है दुमका, और दुमका के बारे में बता दूं कि दुमका का जो नया कॉलेज है वोमेंस पॉलिटेक्निक का, इसका शायद अभी एडमिशन आप लोगों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में ही हुआ है। तो शायद प्लेसमेंट्स को लेकर अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि नई कॉलेज है, नई कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो दुमका के बारे में और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, वासुदेव कुमार और हरीश की कॉमेडी, इन्होंने पूछा है कि GP पॉलिटेक्निक दुमका का प्लेसमेंट कैसा होगा। तो भाई GP पॉलिटेक्निक दुमका का प्लेसमेंट्स के बारे में मैं बताता हूँ, 3-4 कॉलेजेस का मैं एक बार बताऊँगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है और आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो वहाँ स्किल को लेकर एक स्पेशल क्लासेस चल रहा है। जैसे अभी GP निरसा के भी बच्चे पूछ रहे थे तो GP निरसा में भी कुछ स्किल को लेकर क्लास चल रहा है और हर कॉलेजेस में अभी स्किल को लेकर एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया गया है और सारे बच्चों के लिए रांची में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। तो आप रांची में जाकर सारे बच्चों का प्लेसमेंट लगभग एक जगह ओपन रांची में करवाया जा रहा है। तो ऐसे कॉलेज जहाँ प्लेसमेंट नहीं होता था, निरसा लातेहार या अदर कॉलेजेस खुटरी, तो ऐसे कॉलेजेस में अब वहाँ उनका स्किल डेवलप कर और रांची में एक ओपन कैंपस किया जा रहा है। तो ये मैं सभी को बता दूँ। उसके बाद GP लातेहार निकी राज सिंह, तो लातेहार में इस बार प्रिंसिपल ने कहा है कि भाई आप लोगों का इस साल प्लेसमेंट होगा, लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया था लेकिन अभी वहाँ पर ऑटो कैट का भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। रांची से कुछ नए फैकल्टी आए हुए हैं ऑटो कैट के, तो वहाँ भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। उसके बाद नेपाल कुमार महतो और एडू कहते हैं कि सर मेट्रोलॉजी का कैंपस कैसा होगा। तो भाई मेट्रोलॉजी के बारे में बता दूं कि धनबाद और आदित्यपुर
दोनों कंपनियों का मेट्रोलॉजी का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, तो आप मेट्रोलॉजी के प्लेसमेंट्स के लिए वहाँ से कर सकते हो। और न्यू कॉलेजेस के बारे में कहना कुछ मुश्किल होगा, जैसे आप साहेबगंज के बारे में साबिल पूछ रहे हैं, जगन्नाथपुर के बारे में सुबका मानकी वो पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ कैसा है, तो अभी नए कॉलेज हैं साहेबगंज और जगन्नाथपुर, इनका एडमिशन्स खुद अभी नए दूसरे कॉलेजेस में हुआ है, तो यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और नेपाल महतो मुझसे इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू दिए हैं उसके बारे में वो डिटेल बताएंगे। और एक संदीप कुमार ने मुझसे पूछा है केके में माइनिंग, अरे भैया थोड़ा जीके स्ट्रॉन्ग कर लो या आप मेरे जीके का टेस्ट ले रहे हो, भाई केके में तो माइनिंग का ट्रेड होता ही नहीं है, तो आप केके में माइनिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो ये मुझे आइडिया नहीं हो रहा। तो चलो भाई आज के वीडियो में मैं यही बात ख़त्म करता हूँ, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल बता दूंगा, तो इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत।